अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अरीबा और आप देख रहे हैं किचन विद अरीबा। आज मैं आप लोगों के लिए जबरदस्त किस्म की वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगी कि हम संगारों को कैसे बॉईल करें। आज मैं आपको इसे स्टीम में बनाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको ऐसे मेथड बताऊंगी ये ना सोगी रहेंगे और ना कच्चे, बल्कि परफेक्ट तरीके से कुक हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने संगारे ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके सारी गंदगी उतार ली है। आजकल इसका सीजन है तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर लें, क्योंकि जो सीजन में चीज खाई जाए वो सबसे बेस्ट होती है। और साथ में मैंने हाफ कप से भी कम पानी लिया है। आधा किलो संगारे लिए और हाफ कप पानी लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्यारा सा पॉट लिया है और मैंने संगारे शामिल किए हैं। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगी और देखिए मैंने कितना पानी शामिल किया है। अब मैं इसकी लिड लगाऊंगी। पहले 5 मिनट में मैं हाई फ्लेम पे कुक करूंगी और ये सुराख को पेपर की हेल्प से बंद कर दूंगी। पहले 5 मिनट फ्लेम हाई करने के बाद अब मैं इसकी फ्लेम लो कर दूंगी और इसे 20 मिनट के लिए दम पे रखूंगी। और इसी 20 मिनट में ये अच्छी तरह कुक हो जाएंगे। और देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसी स्टीम में ये अच्छी तरह पक गए हैं। अगर हम ज्यादा पानी में इसे बॉईल करते ये सोगी बनने थे और ये टेस्ट लेस हो जाने थे। मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए खुले बर्तन में डाल लिया है। और अब मैं आपको इसे छीलने का तरीका भी बताती हूँ। हम इसको इस कॉर्नर से छीलना स्टार्ट करेंगे और छीलते हुए दूसरे कॉर्नर की तरफ चले जाएंगे। और ये देखिए आसानी से इतना छील गया है। और इस वाली साइड से इसको ऊपर की तरफ उतार लेंगे और देखिए कितना इजीली ये छिलका रिमूव हो रहा है। और इसी तरह से मैं बाकी संगारों को भी छील लूंगी। और देखिए मैंने हाथों को काले किए बगैर हम संगारों को छील लिया है। ले जी तैयार है परफेक्ट कुक किए हुए स्टीम संगारे। आई होप आपको ये मेरा मेथड अच्छा लगा होगा। जब हम इसे खुले पानी में बॉईल करते हैं तो इसकी कजियत खत्म हो जाती है। ये सोगी सोगी बनते हैं और मजेदार भी नहीं लगते। आप इन्हें स्टीम करने के बाद मसाले या नमक के साथ खा सकते हैं। मैं इसे आपको हाथों की मदद से तोड़ के दिखाती हूँ। और देखें माशाल्लाह से ये कितनी इजीली टूट गया है और ना ही ज्यादा गीला और ना ही कच्चा है। बिल्कुल परफेक्ट स्टीम हुआ संगारा तैयार है। लव यू ऑल।